के प्रायोजक हैं गैलेंट एडवांस रैबर, निर्माण का रियल हीरो। नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरिंद्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झारखंड में थे तो उन्होंने झारखंड को विकास की सौगातें तो दी ही, लेकिन अपने विपक्षियों पर जमकर निशाना भी साधा है। क्या कुछ बड़ी बातें कहीं और कौन से मुद्दे को झारखंड के विधानसभा चुनाव से पहले उठाया, इस विषय पर करेंगे विस्तार से चर्चा। इसके अलावा बताएंगे आखिर दिल्ली की सियासत में आज क्यों एक बार फिर से बड़ा उबाल आ गया है अरविंद केजरीवाल के दो दिन बाद मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देने के बाद में, क्योंकि जहां आम आदमी पार्टी इसको अपना एक राजनीतिक कदम बेहतर मान के चल रही है तो वहीं बीजेपी या अन्य विरोधी दल इसको एक तरीके से दिखावे की राजनीति बता रहे हैं। इसके अलावा आपको दिखाएंगे खबर विधानसभा चुनाव के लिए जिन राज्यों में वोटिंग होनी है, चाहे हरियाणा हो चाहे जम्मू कश्मीर, वहां की क्या है बड़ी सियासी खबरें, होंगी देश दुनिया की महत्वपूर्ण खबरें। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के जमशेदपुर में फूका चुनावी बिगुल, विपक्ष पर जमकर बरसे, कहा जेएमएम के लोग बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के साथ खड़े, कांग्रेस को बताया स्कूल ऑफ करप्शन, कहा वहीं से ट्रेनिंग लेते हैं जेएमएम वाले। प्रधानमंत्री ने झारखंड को दी 6 वंदे भारत ट्रेनों की सौगात, टाटा नगर पटना वंदे भारत, टाटा नगर बहरामपुर, देवघर वाराणसी, हावड़ा गया, हावड़ा राउरकेला, हावड़ा दुमका, भागलपुर, ये ट्रेनें इसमें शामिल हैं। रेलवे से जुड़ी करीब 660 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को किया राष्ट्र को समर्पित। पीएम ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत लाभार्थियों को दिए 40,000 घर, 32 करोड़ रुपए की पहली किश्त लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे की ट्रांसफर, कहा गांव गरीब आदिवासी महिला किसान सरकार की प्राथमिकता। अरविंद केजरीवाल का दिल्ली सीएम पद छोड़ने का ऐलान, कहा दो दिन में दूंगा इस्तीफा, पार्टी विधायक चुनेंगे नया मुख्यमंत्री। बीजेपी ने दिखावा करने का आरोप लगाते हुए कहा केजरीवाल पहले ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने जेल भेजे जाने पर भी नहीं दिया इस्तीफा, कांग्रेस भी हमलावर। जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार जोरों पर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने का किया दावा, फारूक अब्दुल्ला ने अनुच्छेद 370 हटाने पर उठाया सवाल तो भाजपा ने किया पलटवार, कहा झूठ और भ्रम पैदा करके जनता को नहीं बना सकते बेवकूफ। दूरदर्शन का 65वां स्थापना दिवस आज 15 सितंबर 1959 को शुरू हुआ। दूरदर्शन आज दुनिया के सबसे बड़े और विश्वसनीय टेलीविजन नेटवर्क्स में से एक, दूरदर्शन के समय के साथ नई प्रौद्योगिकी को अपनाया, राष्ट्र निर्माण में निभा रहा है अहम भूमिका। देश भर में धूमधाम से मनाया गया दक्षिण भारत का प्रमुख पर्व ओणम, देश भर के प्रमुख मंदिरों में हुई पूजा अर्चना, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने सभी देशवासियों को दी सर्वत्र शांति समृद्धि और कल्याण की शुभकामनाएं। एशियन चैंपियंस हॉकी ट्रॉफी प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में सोमवार को भारत का सामना कोरिया से अभिजित रहते हुए अंतिम चार में पहुंची भारतीय टीम, जारी रखना चाहेगी जीत का सिलसिला। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झारखंड पहुंचे तो राज्य को कई विकास की सौगातें दी। प्रधानमंत्री मोदी ने जमशेदपुर में एक विशाल जनसभा को भी संबोधित किया तो विपक्षियों पर जमकर हमलावर नजर आए। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस और जेएमएम को भ्रष्टाचारी और परिवारवादी पार्टी करार दिया तो झारखंड की दुर्दशा के लिए मौजूदा वहां की सरकार को जिम्मेदार ठहराया। पीएम मोदी ने झारखंड के संथाल परगना में रोहिंग्या घुसपैठियों के मुद्दे को जोर शोर से जमशेदपुर के मंच से जनता के सामने रखा। झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री ने जमशेदपुर में एक बड़ी जनसभा की। खराब मौसम और दिन भर होती रही बारिश के बीच लोग बड़ी संख्या में रैली ग्राउंड में डटे रहे।
झारखंड राज्य के गठन की बात हो या विकास की चिंता, आदिवासियों को हक दिलाने की बात हो या फिर उनके गौरव का सम्मान करने की बात, प्रधानमंत्री ने कहा कि सिर्फ भाजपा की सरकारों ने ही झारखंड से दिल का और अपनेपन का रिश्ता जोड़ा है, जबकि बाकी दलों ने तो वसूली की है, राज्य को लूटा है और ये पार्टियां ही झारखंड की असली दुश्मन हैं। झारखंड के ये तीन दुश्मन है, जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस। झारखंड के निर्माण का बदला आज भी आरजेडी झारखंड से उतारती है और कांग्रेस को तो झारखंड से नफरत है ही। कांग्रेस पार्टी ने इतने दशक तक दिल्ली में बैठकर देश पर राज किया, लेकिन इन्होंने देश के दलित, पिछड़ा और आदिवासी समाज को आगे नहीं बढ़ने दिया। साथियों, ये लोग स्वार्थ और सत्ता में किसी भी हद तक जा सकते हैं। आप देखिए, ये जेएमएम वाले जिन्होंने आदिवासियों के वोट से अपनी राजनीति चमकाई, आज वो किसके साथ खड़े हैं? ये लोग आदिवासियों के जंगल जमीन पर कब्जा करने वालों के साथ है। मुद्दा झारखंड में हो रहे अवैध घुसपैठ का भी प्रधानमंत्री ने उठाया। कोल्हान और संथाल क्षेत्र में हो रही बांग्लादेशियों की घुसपैठ को लेकर उन्होंने जेएमएम पर तुष्टीकरण के आरोप लगाए। एक घुसपैठिए और कट्टरपंथी जेएमएम को भी अपने कब्जे में लेते जा रहे हैं। जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जेएमएम में कांग्रेस का भूत घुस गया है। जब किसी पार्टी में कांग्रेस का भूत घुस जाता है तो तुष्टीकरण ही उस दल का इकलौता एजेंडा बन जाता है। झारखंड में चल रहे भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और लूट के गठजोड़ पर प्रधानमंत्री ने दुख जताया। उन्होंने कहा कि झारखंड के सपनों को लूट और वोट बैंक की भेंट चढ़ा दिया गया और कांग्रेस इकलौती पार्टी है जो स्कूल ऑफ करप्शन की जननी है। इस देश की सबसे बेईमान और महाभ्रष्ट पार्टी एक ही है, कांग्रेस पार्टी। इस देश का सबसे भ्रष्ट परिवार एक ही है, कांग्रेस का परिवार। भ्रष्टाचार की सारी धाराएं वहीं से निकलती है। ये जेएमएम वाले भी उसी स्कूल से ट्रेनिंग लेते हैं और उस स्कूल का नाम है कांग्रेस स्कूल ऑफ करप्शन। प्रधानमंत्री ने झारखंड की जनता को विश्वास दिलाया कि भाजपा सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चलती है। ऐसे में अगर युवाओं, आदिवासियों, महिलाओं, किसानों और गरीबों को सुरक्षित झारखंड, समृद्ध झारखंड चाहिए तो वे बेझिझक भाजपा पर भरोसा जता सकते हैं। दिवाकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड में जमशेदपुर में घुसपैठियों का मुद्दा जोर शोर से उठाया। पीएम मोदी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का समर्थन करते हैं। स्थानीय लोग इस विषय को लेकर क्या सोचते हैं, ये आपको वो बात सुनाते हैं। झारखंड में बांग्लादेश घुसपैठ को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
चिंता जताया है। इस वक्त हमारे साथ जमशेदपुर के कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। वो यहाँ बस जाते हैं, यहाँ का नागरिकता लेके यहाँ पर पूरा जनसंख्या का पूरा विस्तार रूप से फैलाया जा रहा है। जो विस्तार रूप से यहाँ हम लोग को फैलाना चाहिए वो घट रहा, और जिसका नहीं बसाना चाहिए वो यहाँ दुनिया भर का फैल रहा है। इस पर कड़ी से कड़ी निंदा किया जाए और इसको रोका जाए। इसके लिए नरेंद्र मोदी 110% सही बात बोले हैं, इसको परफेक्ट बोले हैं। नरेंद्र मोदी बोले, बहुत अच्छा बोले, सबको सुन के बहुत अच्छा लगा। आदिवासी किस तरह से उस इलाके से संख्या कम हो रही है? संख्या उसको कम किया जा रहा है, उसको दबाव दिया जा रहा है, हर चीज का दबाव दिया जा रहा है, उसको कम किया जा रहा है। सर ये बताइए क्या स्थिति है उस इलाके में, संथाल परगना में क्या हो रहा है? सर आने वाला दिन में बहुत बड़ा एक खतरा है देश के लिए, पूरे राज्य के लिए नहीं, पूरे देश के लिए ही खतरा है। इसको जितना जल्दी हो सके चुन चुन करके तो बाहर किया जाए। तो यहाँ तो वर्तमान में जीएमएम की सरकार है, इंडिया गठबंधन की सरकार है। जीएमएम का सरकार सर तो लूट बजारी यही सब तो कर रही है, सब जमीन तक नहीं छोड़ रही, सेना का भी जमीन नहीं छोड़ रही है, पब्लिक का तो छोड़िए सेना का भी जमीन नहीं छोड़ रही। क्या करिए, 5 साल में तो कुछ विकास नहीं की, लूटने के सिवा कुछ विकास नहीं। स्थानीय लोगों का साफ तौर पे कहना है कि संथाल परगना का इलाका है, उस इलाके में आदिवासियों की संख्या कम हो रही है, जिस पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिंता जताई है। अपने सहयोगी मोहित के साथ सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, जमशेदपुर। और झारखंड के नाटकीय राजनीति और सियासी घटनाक्रम के शिकार हुए चंपई सोरेन के अपमान का मुद्दा भी प्रधानमंत्री मोदी ने मंच से झारखंड की जनता के सामने रखा। पीएम मोदी ने कहा कि जेएमएम के लिए सत्ता सबसे ऊपर है, आदिवासी का सम्मान या उसका हित नहीं। वोट लेने के लिए लोग आदिवासियों के नाम पर राजनीति करते हैं, लेकिन जेएमएम के लिए आदिवासी समाज का सम्मान नहीं, अपना सियासी फायदा सबसे ऊपर है। आज झारखंड का गरीब आदिवासी पूछ रहा है, क्या चंपई सोरेन जी आदिवासी नहीं थे क्या? क्या वो एक गरीब परिवार से नहीं आते थे क्या? लेकिन जिस तरह उन्हें अपमानित किया गया, जिस तरह मुख्यमंत्री की कुर्सी कब्जाने के लिए उन्हें अपमानित करके हटाया गया, उससे झारखंड के हर गरीब आदिवासी का दिल गहरी चोट पहुंची है, दुख से भरा हुआ है। सीता सोरेन जी तो उनके ही परिवार, अपने ही परिवार से थी, लेकिन एक महिला होने के बावजूद उन्हें अपमानित और बेदखल किया गया। इसका जवाब झारखंड का हर आदिवासी देगा। तो कई मुद्दे थे जिनको प्रधानमंत्री ने आज झारखंड में रखा, जहां पे एक बड़ा मुद्दा था घुसपैठ का, अवैध घुसपैठ का, जिसमें रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को लेकर लगातार झारखंड की जो सियासत है वो गर्माती जा रही। किस प्रकार से झारखंड का जो संथाल परगना है, वहां की जो जनसांख्यिकीय है, यानी कि वहां की जो डेमोग्राफी है, वो बदली है बीते कुछ वर्षों में। आइए आपको उसका सिलसिलेवार तरीके से जिक्र करते हैं। हमने एक 3 कॉलम बना के आपको समझाने की कोशिश की है, जिसमें वर्ष लिखा हुआ है, आदिवासियों की जनसंख्या लिखी है कितना प्रतिशत थी, उसके अलावा जो मुस्लिम आदिवासी वहां पे बढ़ी है उसका भी प्रतिशत हमने आपको दिया है। तो ये अपने आप में आप देख सकते हैं कि 1951 में 45% आदिवासी जनसंख्या संथाल परगना में थी, उसके बाद ये घट के 61 में 38% रह जाती है, 71 में 36, 81 में कमोवेश 36% ही रहती है, लेकिन 91 में ये 32% हो जाती है, साल 2001 में ये 30% होती है, और मौजूदा 2011 की जो पिछली अधिकृत जो जनसंख्या है उसमें ये 28% है। हालांकि कई अनाधिकृत आंकड़े इस बात को कहते हैं कि ये इससे भी कम हो गई, क्योंकि 2011 के बाद से अभी जनगणना नहीं हुई है, लेकिन ये संख्या कम हो गई। उसी प्रकार से अगर दूसरा इस लिस्ट को देखा जाए जहां पे मुस्लिम आबादी का जिक्र किया जाता है, तो 1951 में, या कहा जाए आजादी के बाद के समय की बात की जाए, तो झारखंड के संथाल परगना में 9% मुस्लिम आबादी थी, जो बढ़ के
61 में 13% हुई, 71 में 14% हुई, 1981 में 16% हुई, 1991 में भी 18% हुई, 2001 में ये बढ़ के 21% हुई और अभी 2011 की जो आंकड़े हैं उसमें ये 23% और अनाधिकृत तौर पे कई जानकार इस बात को कहते हैं कि अगर मौजूदा समय में देखा जाए तो ये 23% से भी ज़्यादा होगी। तो ये कंपेरिजन दिखाता है कि कैसे साल दर साल लगातार आदिवासी कि जो जनसंख्या है वो कम होती जा रही है तो वही मुस्लिम आबादी बढ़ रही है। इसकी वजह से एक जनसांख्यिकी असंतुलन वहां पे दिखाई पड़ रहा है, डेमोग्राफिक चेंजेस हुए हैं क्योंकि झारखंड के लिहाज से बात की जाए, संथाल परगना के लिहाज से बात की जाए, ये मूल तौर पर आदिवासी इलाका है लेकिन यहां पर आदिवासी ही नहीं बच रहे हैं। ये अपने आप में बड़ा चिंता का विषय है लेकिन दूसरी चिंता इस बात को लेकर भी है कि मुस्लिम आबादी लगातार बढ़ रही है लेकिन झारखंड के संथाल परगना में बदली डेमोग्राफी के बड़े आंकड़े क्या हैं या क्या बड़ी वजह है। जनजातीय आबादी में लगभग 16% की कमी हुई है, ये आंकड़े हमने साल से देखा उसके आधार पर ये आंकड़ा निकल के आता है। पलायन और धर्मांतरण बड़ी वजह है, पलायन होना वहां से आदिवासियों का जाना और धर्मांतरण सबसे बड़ी वजहों में से एक है इस जनसंख्या का परिवर्तन को लेकर। संथाल के 6 जिलों में हो रही है ज्यादा घुसपैठ, इस प्रकार की रिपोर्ट्स लगातार आ रही है जहां पे 6 जगहों पे ज्यादा घुसपैठ हो रही है। कुछ जिलों में मुस्लिम आबादी 20-40% तक बढ़ गई है, अगर औसत तो एक अलग बात है लेकिन कुछ जिलों में ये संख्या ज्यादा बढ़ गई है। बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल और उसके बाद झारखंड तक के रास्ते में ये घुसपैठ होती है क्योंकि बहुत ज्यादा दूर नहीं है, पश्चिम बंगाल से तो सीमा लगती है लेकिन अगर बांग्लादेश की भी बात की जाए तो जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो झारखंड से तो नहीं लगती लेकिन बहुत ज्यादा दूर नहीं है, लगभग 15-20 किलोमीटर के आसपास ही वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी पड़ती है। जनजातीय महिलाओं से शादी करके जमीन हड़पने की घुसपैठ की एक पूरी कॉन्स्पिरेसी को लेकर लगातार इस वक्त झारखंड में चर्चा हो रही है और ये अपने आप में बताता है कि कैसे ये वहां की जनसांख्यिकी को बदल रहा है। आदिवासियों की जमीन उपहार पत्रों के रूप में हड़पने का काम चल रहा है, ये लगातार वहां पे स्थानीय स्तर पे आरोप लग रहे हैं और क्योंकि आदिवासियों की जमीन यूं ही कोई खरीद नहीं सकता, इस प्रकार के नियम कायदे कानून है लेकिन उपहार और भेंट के तरीके से ये एक तरीके से इनको हड़पने की कोशिश या कहा जाए साजिश चल रही है जिसकी वजह से आदिवासी अपनी जमीन खोते दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये अपने आप में कुछ बड़े तत्व हैं और इसके अलावा अगर बात की जाए देश में किस प्रकार से किन राज्यों में मोटे तौर पर एक अपने आप में डेमोग्राफिक चेंज की बात निकल के आ रही है तो उसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, राजस्थान, बंगाल, असम, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के तमाम राज्यों में जो डेमोग्राफिक चेंजेस हैं वो बड़ा तेजी से बीते कुछ दशकों में महसूस किए गए हैं और उसका परिवर्तन देश की सामाजिक आर्थिक स्थिति पे दिखाई पड़ रहा है। उत्तराखंड में पलायन के बाद भी मुस्लिम आबादी बढ़ रही है, हम जानते हैं कि पहाड़ी इलाकों से एक बड़ा पलायन की समस्या भी उत्तराखंड में रही है लेकिन बावजूद उसके मुस्लिम आबादी वहां पर बढ़ रही है जो ये बताती है कि उत्तराखंड में कैसे एक बड़ा परिवर्तन डेमोग्राफिक के तौर पर हो रहा है। राजस्थान के जो सीमांत इलाके हैं, पाकिस्तान से लगते हुए जो सीमांत इलाके हैं उन इलाकों में मुस्लिम आबादी में 25% तक का इजाफा हुआ है, 20-25% तक का इजाफा सीमाई इलाकों में राजस्थान के जो पाकिस्तान से लगती है उधर की तरफ देखा गया है। तो ये राजस्थान की स्थिति। इसी प्रकार से यूपी और असम के कई जिलों में, कई इलाकों में मुस्लिम आबादी 32% तक बढ़ी है जबकि अगर यूपी और असम के राज्य का औसत के तौर पर देखें तो ये करीबन 10-15% है लेकिन कुछ जिलों में ये 32% तक बढ़ी है, यानी दिखाता है कि कैसे तेज गति से डेमोग्राफी चेंज हो रही जिसकी वजह से कई प्रकार के जो एक अंतर है वो एक स्थानीय स्तर पर महसूस किया जा रहा है। देश में मुस्लिमों की आबादी बढ़ने की दर करीब 14% के आसपास है लेकिन सीमावर्ती क्षेत्रों में जो देश के सीमाई इलाके हैं, जो सीमावर्ती राज्य हैं जिसे पाकिस्तान से लगते हो, बांग्लादेश से लगते हो, उन राज्यों में ये संख्या 32% तक है, यानी कि देश का औसत 14 है, 14 का दुगना 28 होता है, 28 से भी ज्यादा 32%, यानी कि दिखाई पड़ रहा है कि सीमावर्ती इलाकों में संख्या कितनी तेज गति से बढ़ रही है और ये वहां की जनसांख्यिकी को परिवर्तन कर रहा है जिसकी वजह से तमाम सामाजिक और राजनीतिक बदलाव देखने को मिल रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ी चर्चा का विषय है। फिलहाल इस तमाम प्रकार के जो विषय हैं जिसको आज प्रधानमंत्री ने झारखंड में जमशेदपुर में उठाया भी है उसको विषय पे हम चर्चा भी करेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं, बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH. उम्मीदों का अगला पड़ाव है ये, सपनों की चौखट के आगे एक नई जिंदगी रहती है। ये
ये है नया भारत। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। भैया मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिला ही देते हैं। क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। भैया किसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याप सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याप भी बढ़ाता है। ले जाओ। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। लड़के वाली, भोली भाली, मेहनत वाली, असली लड़के वाली, ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार, NDH के सही टेस्ट का असली टेस्ट, NDH जिंजरगार्लिक टेस्ट। और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हम जिक्र कर रहे थे झारखंड की सियासत में किस प्रकार से एक मुद्दा अपने आप में गरमाया हुआ है, वो है घुसपैठ को लेकर। आज प्रधानमंत्री ने भी इस मुद्दे को उठाया था और एक रैली को संबोधित किया है। क्या है बड़ी बात, इस पर करेंगे चर्चा और इसी से जुड़ा है हमारा विशेष भी। झारखंड में पीएम मोदी ने घेरा विपक्षियों को, क्योंकि कई ऐसे सवाल थे जिसको लेकर प्रधानमंत्री ने विपक्षियों पर वार किया। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल मौजूद है, उनका परिचय कराते हैं। धनंजय गिरी जी हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ में जुड़ गए। इसके अलावा JMM के प्रवक्ता अरुण वर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी, आप तीनों को बहुत स्वागत है। धनंजय गिरी जी, शुरुआत आपसे, क्योंकि प्रधानमंत्री आज कहते हैं कि साहब किस तरीके से जो घुसपैठ की पूरी समस्या है झारखंड में, उसके लिए JMM पूरी तरीके से जिम्मेदार है और एक तरीके से उनका समर्थन घुसपैठियों के साथ है, क्या बड़ी वजह है इसकी बात को कहने के पीछे? देखिए नरेंद्र जी, कहते हैं ना कि ये बदलती डेमोग्राफी एक बड़ा प्रश्न है, ये डेमोग्राफ है जो बढ़ता जा रहा है, ये खतरा निशान के ऊपर आ रहा है, ये रक्षा संस्कृति का ही आधुनिक संस्करण है जो भारत की संस्कृति को मिटाने की कोशिश कर रहा है। और इसमें तैमूरों ने तलवार रख दिया है, क्योंकि कुछ राजनीतिक दलों ने उनका काम करना शुरू कर दिया है। ये जो राजनीतिक दल है जो अपने वोट बैंक की खातिर दरवाजा बॉर्डर खुला छोड़ दे वोट के कारण, ये जो राजनीतिक दल कर रहे हैं देश इन्हें माफ नहीं करेगा। ये मुल्क के ऊपर एक धर्म विशेष को रख करके उसकी आबादी को बढ़ाते जा रहा है, उनके वोटर्स को बढ़ाते जा रहा है। जहां आदिवासियों की संख्या है, जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, वहां भी उनको अपने अभी रिपोर्ट दिखाई थी उससे पता चल रहा है कि कितना खतरनाक स्थिति में पहुंच गया है। और एक धर्म विशेष की तो पहचान ही रही है को अपनी संख्या को बढ़ा करके और इसी तरह से चीजों को अंजाम तक पहुंचाता है। आप झारखंड में देख लीजिए, जिस तरह से लगातार गिरती हुई अर्थव्यवस्था है, लगातार घटती हुई, 29वें स्थान पर आ गया है झारखंड प्रति व्यक्ति आय के में। 4% उसके पास मिनरल्स है और 19.6% लोग कुपोषित है, 39.1% लोग जो है वो आबादी गरीबी रेखा के नीचे आ गई है। क्यों? क्योंकि आपने घुसपैठियों के लिए, ये जाली टोपियों का जाल इस देश के लिए जंजाल बनते जा रहा और प्रदेश के लिए बड़ा महाजाल बनते जा रहा है। आपने दिखाया रिपोर्ट में, वहां लोग भी मान रहे हैं इस बात को
कि ये बहुत बड़ा संकट है और आने वाले दिनों का बहुत बड़ा संकट है। बिल्कुल एक बड़ा संकट है और निश्चित तौर से राजनीति से इतर ही देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला भी है। अरुण वर्मा जी हमारे साथ में जेएमएम के प्रवक्ता के तौर पर जुड़े हुए हैं। अरुण जी, क्योंकि राजनीति अपनी जगह है लेकिन देश की सुरक्षा और उसकी जो एक अखंडता है वो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वो राजनीति से ऊपर है। आपको लगता है कि कम से कम इस विषय पे राजनीति से ऊपर उठ के कदम उठाने की जरूरत है मौजूदा समय में राज्य सरकार को? देखिए, बहुत गंभीर विषय है और बहुत बहुत ही गंभीरता से इस मामले को लोगों को लेना चाहिए, किंतु यहाँ पे राजनीति हो रही है। आप देखिए, घुसपैठ 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 बोलते हैं तो घुसपैठ की जवाबदेही जिम्मेवारी क्या झारखंड की सरकार लेगी? अगर घुसपैठ हो रही है तो कहीं ना कहीं ये मोदी सरकार का नकारापन है, अपना निकम्मापन का ठिकरा हम लोगों के ऊपर फोड़ना चाह रहे हैं। अब भैया, बॉर्डर सिक्योरिटी आपके पास, सीमा सुरक्षा आपके पास, गृह मंत्री देश के आप, रक्षा मंत्री आप, देश के प्रधानमंत्री आप, तो आप बॉर्डर का सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। बोलते हैं 2011 तक घुसपैठ हुई, चलिए मान लीजिए 2011 तक घुसपैठ हुई तो 2011 में झारखंड में किसकी सरकार थी? 2011 से 2019 तक में डबल इंजन की सरकार यहाँ पे रही, 2014 से यहाँ पे आप देख लीजिए कि देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी। तो ये लोग इतने साल से सोए हुए थे क्या? देखिए, इनका मकसद डेमोग्राफी और घुसपैठ नहीं है। अब डेमोग्राफी तो पूरे देश में बदल गई। रांची में 1951 में 3 लाख की आबादी थी, 30 लाख की आबादी हो गई। इनका मकसद है तुष्टीकरण करना। आप याद कीजिएगा, लोकसभा चुनाव में मंदिर मस्जिद का मुद्दा नहीं चला, हिंदू मुसलमान नहीं चला, ये तो देख लीजिए, भैंस और बाबर ताला और मंगलसूत्र करके भी देख लिए। तो इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे है कि किसी तरह करके आदिवासी से मुस्लिम के बीच में फूट डलवा के लड़ाई करवा दें। अच्छा अरुण जी, यही इनका मकसद है। उसमें एक एंगल डाल दिए क्रिश्चियन का। अरुण जी, लेकिन अगर झारखंड में हाईकोर्ट भी इस बात को कह रहा है कि साहब एक निष्पक्ष तरीके से पूरी इंक्वायरी हो जाए तो उस पर एक प्रोएक्टिव रोल नजर नहीं आ रहा। दूसरा चीज ये कि जहां डेमोग्राफी जो चेंज हो रही है उसमें आदिवासियों के राज्य के तौर पर झारखंड की पहचान है और उनके हक के लिहाज से ही उसका गठन हुआ था, लेकिन आज अगर आदिवासियों की संख्या कम हो रही है और वो खुल के इस बात को कह रहे हैं तो कम से कम राज्य सरकार को संज्ञान लेने की जरूरत तो बनती है ना? देखिए, बिल्कुल संज्ञान लेने की जरूरत बनती है जी। पर आप तो मीडिया के लोग हैं, हम लोग तो सोचते हैं निष्पक्ष हो के आप लोग अपनी बातों को रखेंगे। आप बताइए, हाई कोर्ट में अभी सिर्फ हलफनामा दायर हुआ और मोदी जी मंच में खड़ा होकर झूठ बोल रहे हैं। गजब ताजुब की बात, हम तो देखे तो एकदम अवाक रह गए देख के। अभी सिर्फ हलफनामा झारखंड की सरकार ने दायर किया और केंद्र की सरकार ने दायर किया और मंगलवार को इसमें सुनवाई होगी। किसी तरह का सुनवाई नहीं हुआ। अब देखिए, अब हाई कोर्ट को भी टेम्परिंग करने का प्रयास मोदी जी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि एक टीम बन गई। कहाँ टीम का गठन हुआ है सर? आप तो मीडिया के लोग हैं, आप पता कर लीजिए। अभी तो सुनवाई ही नहीं हुई, सिर्फ हलफनामा दायर हुआ। ठीक है, सुनवाई चल रही है, ये सच बात है, लेकिन प्रयास कर रहे हैं। जो बातें हाईकोर्ट ने कही उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। आते हैं आपके पास रामकृपाल जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद। रामकृपाल जी, झारखंड का गठन आदिवासी, अगर इससे पहले अरुण जी आ रहा हूँ आपके पास में, अरुण जी आ रहा हूँ आपके पास, और भी पैनलिस्ट है हमारे पास में। रामकृपाल जी, झारखंड का गठन ही आदिवासी अस्मिता को ध्यान में रख के किया गया तो उनके हक और हकूक के लिहाज से, लेकिन आज वही अपने आप को छला हुआ सा महसूस कर रहे हैं संकीर्ण राजनीति के चलते। ये तो अपने आप में उनके साथ छलावा हो गया। रामकृपाल जी, अरुण जी जो आपने दिखाया जिस तरह 1951 से जो सारा आपने विवरण दिया है, वो अपने आप में आंखें खोलने वाला है। आप सोचिए कि आदिवासियों की आबादी 1951 के बाद से और मुस्लिम भाइयों की आबादी 3 गुना बढ़ गई है इस दौर। आप बताइए, एक ही राज्य में ये कैसे हो सकता है कि एक आदिवासी जो है वो बिल्कुल आधे हो जाएं और ये जो 9% था वो बढ़कर के 28% के करीब हो चुका है, 3 गुना। और ये बात देखिए, जैसा आपने बाकी स्टेट्स को भी दिखाया, झारखंड तो बेसिकली था ही आदिवासियों के लिए और वहां का। और ये जो आरोप अभी लग रहे हैं, मुझे लगता है कि ये गंभीर राष्ट्रीय मामला है, इस पे बहुत सतही राजनीति नहीं होनी चाहिए। जैसा अभी वो अरुण जी कह रहे थे कि उन्हें डबल इंजन की सरकार थी, अरे भाई 1951 से आप देखिए इस चीज को, 14 साल में या 10 सालों में नहीं हुआ है ये। और सिर्फ यही झारखंड में नहीं, असम में देखिए, इस जमाने में वो त्रिपुरा में त्रिपुरा उपजात समिति बनी थी, असम का जो आंदोलन चला, बिल्कुल ये बहुत बड़ा संकट हमारे देश के सामने आने वाला है अगर इसको राजनीति से ऊपर उठ करके इसको बिल्कुल अगर इसका
इस चैलेंज से नहीं निपटा गया जी। तो ये पूरे राष्ट्र को, और मैं कहता हूँ राष्ट्रीय सुरक्षा एकता अखंडता के लिए ये खतरा है, और मोदी जी ने जिस तरह से इस बात को उठाया है, मैं कहता हूँ कि आज की मोदी जी को अभी 10 साल हुआ उनको प्रधानमंत्री बने जी, 10 साल में सारी समस्याएं आई है। असम काल राजीव गांधी के साथ हुआ था, याद कीजिए जी, वो असम का आंदोलन क्यों चला था। ये नासूर बिल्कुल बसाया गया है वोट बैंक की राजनीति के लिए जी, तमाम बिल्कुल, और ये आजादी के बाद से हम वोट बैंक की राजनीति या तुष्टिकरण की राजनीति देख रहे हैं सर। बिल्कुल मैं आता हूं सर आपके पास धनंजय जी, क्योंकि ये वो जेएमके के प्रवक्ता इस बात को कह रहे हैं कि साहब बॉर्डर की सुरक्षा तो आपके पास है, आपके 10 साल के शासन में रहते इस प्रकार की घुसपैठ हो रही तो आप जिम्मेदार हैं, आप हमको क्यों कह रहे हैं। धनंजय जी ने उनको ने एक बात और कही, तुष्टिकरण की बात कही जी। हम तुष्टिकरण की बात ही नहीं करते, हम संतुष्टिकरण की बात करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास की बात की है। भारत को भीड़ बना देने की बदस्तूर कोशिशें जारी हैं। ये डेमोग्राफी जो बदल रही है डेमोक्रेसी के लिए भी खतरनाक है। एक धर्म विशेष की पहचान रही है, उसने संख्या बल के बेसिस पर आक्रमण किया है लगातार, और लगातार ये डेमोग्राफी बदलने की कोशिश हो रही है। वहां की इस वर्तमान सरकार अपीजमेंट का, जैसे लोकल पुलिस है, लोकल कानून व्यवस्था है, लोकल प्रशासन है, अगर वो बसाए जा रहे हैं वहां घूम फिर रहे हैं, लोग बता रहे हैं कि अभी अभी इस पर्टिकुलर जेएमके की सरकार ने इस एरिया में संथाल पटाखना में बसाया गया, तो आपके कानून व्यवस्था क्या कर रहा है, लोकल पुलिस क्या कर रही है, आप कैसे आधार कार्ड बना रहे हैं, कैसे उनके लिए कार्ड, चूंकि आपको लगता है कि हमारे वोटर है, और इसी वोट के खातिर आप मुल्क से ऊपर किसी धर्म विशेष को, बल्कि मैं कहूं कि मुल्क के ऊपर मुसलमान को रख करके आप जब विधानसभा के बगल में विधानसभा में आप इबादत के लिए मस्जिद बनवाने की, मस्जिद तामील कराने की कोशिश करते हैं और तमाम तरह के, तो आप अपीजमेंट की और तुष्टिकरण इसको कहते हैं मेरे भाई। और उस बल पर उसके लिए आंखें मूंद करके एक धर्म एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का चश्मा पहनकर जो आप देख रहे हैं, आने वाली पीढ़ियां कभी माफ नहीं करेंगी। जो डेमोग्राफी बदल रही है, डेमोक्रेसी को लीलने के प्रयास कर रही है, ये वो सुरसा है जिसने अफगानिस्तान को, पाकिस्तान को, बांग्लादेश को, सबको खत्म किया है, और ये आगे भी यही बदस्तूर इसका तरीका जारी है। ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा खतरा है, और आपकी सरकार ने उस पर आंख बंद कर रखी है। लोकल लेवल पर बांग्लादेशी घुसपैठियां हो या रोहिंग्या हो बस रहे हैं, लोकल पुलिस प्रशासन कान में तेल डाले हुए हैं, चंद वोट की खातिर, चंद वोट की खातिर आपने प्रदेश को और देश को दांव पर लगा दिया है। ठीक है अरुण जी से जवाब ले लेते हैं। अरुण जी सवाल यही है कि अगर आप जो, अगर आपकी बात मान लें कि जो बॉर्डर पे सुरक्षा होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, उसके बाद अगर लोकल स्तर पे जो कार्रवाई संभावित हो सकती है वो भी नहीं की जा रही है, तो फिर तो गलती फिर आ जाएगी ना राज्य सरकार की भी। देखिए हम लोगों के 7 जिला के डीसी ने जांच किया, और वहाँ पर स्थानीय विधायक भी रहे, अब जिला स्तर के प्रखंड स्तर के नेता भी, उस प्रखंड कमेटी भी से भी जांच, प्रखंड विकास अधिकारी ने भी किया, जांच कमेटी बना, और जांच कमेटी ने बताया कि वहाँ किसी तरह का घुसपैठ नहीं है। डीसी साहब ने सारा रिपोर्ट भी वहाँ सबमिट कर दिया है माननीय उच्च न्यायालय में, पर बोले ना कि अभी तक अगर मान लीजिए कि अगर घुसपैठ हुआ तो अभी तक केंद्र की सरकार सोई हुई थी क्या? अभी इलेक्शन आया है तो आपको हिंदू मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए घुसपैठ याद आ रहा है? अभी आप मोदी जी भ्रष्टाचार के बारे में बात कर रहे थे, जिनको बीजेपी के लोग कहते थे कि संसार का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है, उस मधुकोड़ा को पार्टी में ले लिए, अभी प्रधानमंत्री के जी के साथ बैठ के साथ में बैठे हुए मंच में किस भ्रष्टाचार की बात करते हैं आप लोग जी? अगर भ्रष्टाचार के बारे में बोलते हैं तो मधुकोड़ा जी को क्यों अपनी पार्टी में ले लिए? आप कहते थे पहले अशोक चौहान जी के बारे में कि इन्होंने सही सैनिक का विधवा का जमीन को भी नहीं छोड़ा, उसे भी घोटाला कर दिया, उस अशोक चौहान को भी ले लिए। कहते हैं कि कांग्रेस का भूत जेएमएम में घुस गया, तो कांग्रेस का भूत जेएमएम में घुसा या अशोक चौहान को आपने लिया जिसे आप खुद भ्रष्टाचारी कहते थे, प्रफुल्ल पटेल को आपने ले लिया जिसे कहते थे कि बाल मिर्ची संबंध है, आतंकवादियों से संबंध है, उन्हें ले लिए, जिसको कहते थे कि भाग मुकुल भाग, ऐसा मुकुल भागे ईडी का छापा पड़ने के बाद कि सीधे बीजेपी में चले गए, सारा तरह की कार्रवाई बंद हो गई। ठीक है अरुण जी, आप कह रहे हैं कि बाकी लोगों के द्वारा अगर भ्रष्टाचार हुआ, उनके जो आरोप हैं उसकी वजह से क्या जेएम के द्वारा, उनकी सरकार के द्वारा, उनके नेताओं के यहाँ नोटों के अगर बंडल मिलते हैं तो क्या वो जस्टिफाई है? ये एक लॉजिक के तौर पर है। मैं आता हूँ आपके पास में रामकृपाल जी, ये जो तर्क है भ्रष्टाचार को जस्टिफाई करने का कि साहब वो वाला भी गलत है तो ये वाला गलत, आप हमारे ऊपर आरोप उठा रहे हैं, आप सवाल क्यों कर रहे हैं, क्या ये जनता को हजम? अगर नोट का बंडल मिला तो क्या कार्रवाई? आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ, नोट के बंडल आ रहा हूँ, बहुत बंडल मिला, सारी तस्वीरें सभी ने देखी है, वो सारा चीजें सबको पता कहां से किसके यहाँ बंडल मिले थे, वो सारी बात है। रामगोपाल जी मैं पूछ रही है कि क्या ये लॉजिक अपने आप में हजम करने योग्य है कि साहब चूंकि वो गलत है तो साहब हमें गलत करने का सर्टिफिकेट है? रामगोपाल जी, आरएन जी अभी आपने जो डेटा दिखाया वो पार्टी
लाइन से ऊपर उठ करके पूरे देशवासियों के 140 करोड़ भारतीयों के लिए बहुत ही बड़े खतरे का एक संकेत है। और इस विषय पर अगर बात करते हुए अशोक चौहान और प्रफुल्ल पटेल, अरे हम कहां किस लेवल पर हम बात कर रहे हैं, बात ही किसी पार्टी की नहीं है, आप ये देख लीजिए। और जो भी है, ऐसा नहीं है कि सरकार आज चेत रही है, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, मोदी जी तो बहुत बाद में आए हैं, आप 80 जब राजीव गांधी गए थे, असम आंदोलन किस बात का शुरू हुआ था, त्रिपुरा में आंदोलन किस बात का शुरू हुआ था, ये आवाज बहुत पहले से उठ रही है। दुर्भाग्य से एक लंबे समय तक आजादी के बाद से सिर्फ इसलिए कि तुष्टिकरण किया गया, लोग आए। अभी जो हमारे मित्र कह रहे थे झारखंड में, ये बताइए कोई आदमी किसी स्टेट में आता है तो कोई थाना तो पड़ता होगा, कोई ग्राम सभा तो होती होगी, वहां कोई सिपाही तो होता होगा, कोई तो पहचान होती होगी। भाई हर चीज के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही देखेंगे, आप कहां से कितनी तरह की घुसपैठ हो सकती है। अगर स्टेट विजिलेंट है, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट है, आप बिल्कुल पकड़ सकते हैं, सबको पता है, और वहां के स्थानीय प्रशासन को अच्छी तरह से पता है कि यहाँ पे कौन हमारे यहाँ का भारतीय मुसलमान है और कौन घुसपैठिया है, सब पूरा पता होता है। लेकिन चूंकि ये राजनीति जो होती है वो इस तरह की राजनीति है कि हमारे वोट है जी। और ये देखिए पूरे बंगाल से लेकर के असम और झारखंड, यहाँ ये जो समस्याएं आ रही है क्या है जी? और क्यों जब भी सरकार एनआरसी की बात करती है सबसे पहले लोग खड़े हो जाते हैं जी? नहीं जी, पहचान कीजिए। अरे अपने नागरिकों की पहचान तो हर दुनिया के हर देश में ही होता है। बिल्कुल, और देश का नागरिक कौन है और घुसपैठिया अप्रवासी कौन है, बिल्कुल ये पहचान जरूरी है सर, और ये देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा है, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस विषय पे विस्तार से बात करने के लिए, जुड़ने के लिए आप तीनों का शुक्रिया। और यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। धन्यवाद। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूं मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। फूल वाला, केटरिंग वाला, बैंड वाला, ये लो भाई। बैंड बजेगी पापा, अगर गड़बड़ हुई तो गए पैसे। अरे नहीं रे, बैंक संभाल लेगा। कैसे? मैंने पॉजिटिव पे सिस्टम पे रजिस्टर किया है, बैंक को चेक्स और बेनिफिशियरीज की जानकारी दे दी है, बैंक चेक करेगा, जांच करेगा, डिटेल्स मैच नहीं तो क्लियरेंस नहीं। अच्छा लाइए, मुझे दीजिए। फोटो वाला, लाइट वाला, मंडप वाला। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। उम्मीदों का अगला पड़ाव है ये, सपनों की चौखट के आगे एक नई जिंदगी रहती है। ये है नया भारत। साबुन की जगह हैंड वॉश, मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ, सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। काट! सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल, इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील,
स्टील का बादशाह। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और ब्रेक के बाद रुक करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों की ओर। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कुल 6 वंदे भारत को आज हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसमें टाटानगर पटना वंदे भारत, टाटानगर बहरामपुर, देवघर वाराणसी, हावड़ा गया, हावड़ा राउरकेला, हावड़ा दुमका भागलपुर ट्रेनें शामिल रहीं। वहीं प्रधानमंत्री ने रेलवे से जुड़ी करीब 660 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को भी प्रधानमंत्री ने आज राष्ट्र को समर्पित किया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आवास ग्रामीण के तहत उन्होंने 46,000 घरों को लाभार्थियों को दिया। साथ ही उन्होंने 32 करोड़ की रकम पहली किश्त के रूप में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर की। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज की सरकार की प्राथमिकता गांव, गरीब, आदिवासी, महिला, किसान है, इसलिए विकास कार्यों को संपूर्णता में कराया जा रहा है। 6 नई वंदे भारत ट्रेनें 650 करोड़ से ज्यादा की रेलवे परियोजनाएं, कनेक्टिविटी और यात्रा सुविधाओं का विस्तार, और इस सबके साथ साथ झारखंड के हजारों लोगों को पीएम आवास योजना के तहत अपना पक्का घर। मैं झारखंड की जनता जनार्दन को इन सभी विकास कार्यों के लिए बधाई देता हूं। और अब बात अरविंद केजरीवाल की। सुप्रीम कोर्ट से बीते दिनों दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत तो मिली, लेकिन इतनी शर्तों के साथ मिली थी कि वो एक सीएम की तरह काम भी नहीं कर सकते थे। अब केजरीवाल ने आज 2 दिन के बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का ऐलान किया है, जिसके बाद दिल्ली की सियासत गर्मा गई है। भाजपा और कांग्रेस ने केजरीवाल को इस कदम को दिखावा करार दिया और उन पर कई प्रकार के गंभीर आरोप लगाए हैं। शराब घोटाले मामले में जमानत पर जेल से बाहर आए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को कहा कि वे 2 दिन में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे और विधायक दल की बैठक में अगले मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला लिया जाएगा। जेल में 150 से भी ज्यादा दिन रहने के बाद भी केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया था, जबकि उनके विरोधी लगातार इस्तीफे की मांग कर रहे थे। और बीते दिनों जब सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जमानत मिली भी तो इतनी कड़ी शर्तों के साथ मिली कि वो मुख्यमंत्री तो बने रह सकते थे लेकिन सीएम की तरह कोई काम नहीं कर सकते थे। ना तो केजरीवाल को सीएम ऑफिस जाने की अनुमति थी और ना ही सचिवालय जाने की अनुमति मिली थी। इन तमाम हालतों के मद्देनजर केजरीवाल ने इस्तीफे का ऐलान किया है। 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूँ और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान के बाद से उनके विरोधी उन पर जमकर हमलावर हैं। बीजेपी ने कुर्सी छोड़ने के नाम पर दिखावा करने का आरोप लगाते हुए कहा कि जेल जाने के समय ही इस्तीफा दे देना चाहिए था। बेहतर होता कि अरविंद केजरीवाल एलजी से विधानसभा को भंग करने की सिफारिश करते। कौन सी ऐसी निजी चीज है जिसके लिए आप 48 घंटे की मोहलत मांगने की कोशिश कर रहे हैं कि ये उनके जुर्म का इकबालिया बयान हो गया। त्याग पत्र का विषय की आवश्यकता किस विवशता के साथ आई है? यदि चुनाव चाहते हैं तो कैबिनेट की बैठक बुलाइए, असेंबली डिसॉल्व करके डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली रिकमेंड कर दीजिए नए चुनाव के लिए। इसमें मांग क्या करना भाई? जिसके पास 70 में 62 MLA हैं वो कह रहे मैं मांग करता हूं कि चुनाव किया जाए। पूरी की पूरी पार्टी, ये तीनों तिलंगे और इनके जितने अधिकारी शराब घोटाले में दोषी हैं, चोरी की है, भ्रष्टाचार किया है, इसलिए माननीय न्यायालय ने आपको जेल भेजा था। कोई मुख्यमंत्री रहे और मुख्यमंत्री के रूप में जेल जाए और महीनों तक जेल में रहे, ये तो उस संस्था की भी प्रतिष्ठा गिराने जैसी बात है। अब इतने दिनों के बाद उस संस्था की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के बाद अब रिजाइन करके जनता के बीच जा रहे हैं, मुझको नहीं लगता है कि लोगों को यह बात पसंद आएगी। आपको तो बहुत पहले मुख्यमंत्री के पद से छोड़ देना चाहिए था और अब बचा क्या है? अब इनके जो सीएम पद का छोड़ने का है ये केवल एक नाटक है, इसके बाद कोई नैतिकता नहीं बच जाती है केजरीवाल की। लेकिन केजरीवाल और नैतिकता में मुझे नहीं लगता है किसी भी तरीके आसपास का कोई संबंध है। केजरीवाल के गैर बीजेपी नेता होने के चलते जेल भेजे जाने के दावे पर बीजेपी ने पलटवार किया है।
सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि वे उनके सबसे बड़े झूठ में से एक है। उन्होंने कहा कि इससे पहले कई मुख्यमंत्री जेल गए, लेकिन उन्होंने नैतिकता दिखाते हुए जेल जाने से पहले ही इस्तीफा दे दिया था। 2008 में मधु कौड़ा झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में जेल में थे। 2006 में शिबू सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में जेल में थे। 2000 में करुणानिधि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे और जेल में थे। 1997 में लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री थे और जेल हुई थी। और 1996 में जयललिता जी को जेल हुई थी। मगर इसमें से किसी ने भी कम से कम इतनी नैतिकता तो निभाई कि जेल में जाने से पहले इस्तीफा दे दिया। बीजेपी ने केजरीवाल के ऊपर महात्मा गांधी और भरत सिंह के नाम पर राजनीति करने पर सवाल खड़े किए तो 48 घंटे के बाद इस्तीफा देने का ऐलान पर भी शंका जताई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। उम्मीदों का अगला पड़ाव है ये, सपनों की चौखट के आगे एक नई जिंदगी रहती है। ये है नया भारत। छोटे किसानों की शक्ति, कोऑपरेटिव की शक्ति और भारतीय नस्ले पशुओं की शक्ति मिलकर एक अलग ही ताकत बनती है। इस ताकत को बढ़ाने और डेयरी के विकास में जुड़े पशुपालकों, तकनीशियनों व डेयरी सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पशुपालन एवं डेयरी विभाग दे रहा है राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार, जिसमें इस बार से पूर्वोत्तर क्षेत्र को भी शामिल किया जा रहा है। आवेदन के लिए awards.gov.in पर जाएं या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर, पशु चिकित्सालय या पशुपालन और डेयरी विभाग से संपर्क करें। आवेदन 30 सितंबर 2024 तक। काट! सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और ब्रेक के बाद अब बात यूपी से जुड़ी खबर के। उत्तर प्रदेश के बहराइच के कई इलाकों में भेड़िए के आतंक से प्रभावित इलाकों में सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज वहां दौरा किया। मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों से कहा है कि जनजीवन सामान्य है, लेकिन सतर्कता बरतने की वहां पे अभी भी ज़रूरत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भेड़िए के आतंक से जो पीड़ित और परिवार हैं उनसे मुलाकात भी की और उनको ढांढस बताया है कि जल्द ही प्रशासन के द्वारा छठा भेड़िया भी पकड़ लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश का बहराइच जिला पिछले कुछ महीनों से आदमखोर भेड़िए की वजह से सुर्खियों में बना हुआ है। दहशत का पर्याय बन चुके 6 भेड़ियों में से 5 भेड़िए पकड़ लिए गए हैं, छठे की तलाश अभी भी जारी है। शासन से लेकर प्रशासन तक भेड़िए के आतंक को देखते हुए काफी संवेदनशीलता बरती जा रही है। ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए वन विभाग के अलावा प्रशासन का पूरा अमला लगातार अभियान चलाकर हिंसक जीव के आक्रमण को रोकने का प्रयास कर रहा है।
भेड़िये के आतंक से बहराइच के करीब 4 दर्जन गांव में लोग दहशत के माहौल में रह रहे हैं। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ रविवार को जिले के महसी इलाके में भेड़िया प्रभावित क्षेत्र सिसैया चुरामन गांव पहुंचे और भेड़िये के हमले से प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। अधिकारियों से भेड़िये को पकड़ने के लिए आगे की रणनीति पर चर्चा की। इस दौरान सीएम योगी ने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक भी की। मैंने इन सभी गांवों का भी सर्वे भी किया है और मैंने देखा है कि लोग जनजीवन सामान्य है, लेकिन सतर्कता की आवश्यकता है और ये प्रयास है कि किसी भी स्थिति में रेस्क्यू हो, लेकिन अगर वह जिस रूप में हिंसक है, जनहानि कहीं करता हुआ दिखाई देता तो उससे पहले कि जनहानि करें तो उसको शूट करने के भी आदेश दिए गए हैं। जिन लोगों को घायल किया गया है तो रेबीज का इन्फेक्शन न हो इसके लिए एंटी रेबीज वेनम भी उन लोगों को उपलब्ध करवाई गई है। इस इलाके के लोग भेड़िये के आतंक के चलते अपनी नींद और सुकून गायब कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भेड़िये के हमले से प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। बहरहाल छठे भेड़िये को पकड़ने के लिए जमीन पर वन विभाग की टीमें कॉम्बिंग और सर्च ऑपरेशन चला रही हैं, तो आसमान में ड्रोन से निगरानी की जा रही है। जल्द इलाके के लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। प्राकृतिक हल्दी मिर्ची धनिया नहीं, मिर्ची धनिया हल्दी MDH। उम्मीदों का अगला पड़ाव है ये, सपनों की चौखट के आगे एक नई जिंदगी रहती है। ये है नया भारत। आज जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। हाथ धो कर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और अपने झारखंड के दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे के लिए अहमदाबाद पहुंच गए हैं, जहां पर एयरपोर्ट पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड के दौरे के बाद गुजरात के अहमदाबाद पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर अपने अहमदाबाद दौरे के कार्यक्रम की जानकारी साझा करते हुए लिखा है कि झारखंड में यादगार कार्यक्रमों के बाद थोड़ी देर पहले अहमदाबाद पहुंचा हूं। 16 सितंबर को गांधीनगर और अहमदाबाद में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लूंगा। सुबह प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लाभार्थियों से बातचीत करूंगा और उसके बाद महात्मा मंदिर में 4th वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन और एक्सपो में हिस्सा लूंगा। दोपहर में 8000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास करूंगा। इन परियोजनाओं में ऊर्जा, सड़क, आवास और बहुत कुछ अन्य कार्यक्रम शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 3 राज्यों के दौरे के क्रम में सोमवार को गुजरात का दौरा कर रहे हैं, तो वह गांधीनगर के महात्मा मंदिर में री इन्वेस्ट 2024 का उद्घाटन भी करेंगे। पीएम मोदी अहमदाबाद में 8000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करके राज्य को सौगात सौंपेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में सोमवार को कई विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। दौरे की शुरुआत वे गांधीनगर से करेंगे, जहां वे सबसे पहले पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे। पीएम सूर्य घर योजना के तहत 300 यूनिट तक फ्री बिजली दी जाती है। साथ ही सरकार सोलर रूफ टॉप लगवाने के लिए 78,000 रुपए तक सब्सिडी भी दे रही है। सोलर एनर्जी है वो ग्रीन एनर्जी है, तो पर्यावरण के बचाव के लिए है, और साथ साथ इसे इकोनॉमिकल बेनिफिट भी मिलता है, फाइनेंशियल हमको फायदा होता है। तो अभी आप देखो तो हमने जो सोलर प्लांट लगाया है उसके मैंने 4 किलोवाट का लगाया है, तो उसके बाद मेरा अभी बिल बिल्कुल जीरो हो गया है इलेक्ट्रिसिटी का बिल। हर रोज में जो भी प्रोडक्शन होता है 20 kW का प्रोडक्शन होता है, और सामने फिर हमारा 2000 का बेनिफिट रहता है, और अच्छा रहता है, बहुत अच्छा रहता है, और उसका श्रेय हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को ही देते हैं। सोलर पे रूफटॉप पे जो पैनल लगी है तो क्या कि सुबह के दिन में भी हम टेरेस का यूज कर सकते हैं, कि वो आ गया तो थोड़ा छाया शेड वैसे भी रह सकते हैं, और कैसे कोल प्रोडक्शन है तो उसमें जो पॉल्यूशन है वो भी बच सकता है, और खुद की एनर्जी है तो कुछ भी करो। गांधीनगर के महात्मा मंदिर में प्रधानमंत्री चौथे वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन और एक्सपो री इन्वेस्ट 2024 का उद्घाटन करेंगे। ये कार्यक्रम नवीकरणीय ऊर्जा निर्माण और उपयोग में भारत की प्रभावी प्रगति पर प्रकाश डालेगा। इस सम्मेलन में दुनिया भर के प्रतिनिधि भाग लेंगे। कार्यक्रम में जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और नॉर्वे भागीदार देशों के रूप में भाग ले रहे हैं। गुजरात की मेजबानी में हो रहे सम्मेलन में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश भागीदार राज्यों के रूप में हिस्सा ले रहे हैं। गांधीनगर के बाद प्रधानमंत्री अहमदाबाद में 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री समाख्याली गांधीधाम और गांधीधाम आदिपुर रेलवे लाइनों को चौगुना करने, एएमसी अहमदाबाद में प्रतिष्ठित सड़कों का विकास और बकरोल, हाथीजन, रामोल और पंजरपोल जंक्शन पर पुलों का निर्माण सहित कई प्रमुख परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री 30 मेगावाट की सौर प्रणाली का उद्घाटन करेंगे। वे कच्छ लिग्नाइट थर्मल पावर स्टेशन में 35 मेगावाट की BASS सोलर PV परियोजना और मोरबी एवं राजकोट में 220 kV सबस्टेशन का भी उद्घाटन करेंगे। वे वित्तीय सेवाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए डिजाइन किए गए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के सिंगल विंडो IT सिस्टम का शुभारंभ करेंगे। वे पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत 30,000 से अधिक घरों को मंजूरी देंगे और इन घरों के लिए पहली किस्त जारी करेंगे। प्रधानमंत्री PMAY योजना के तहत घरों के निर्माण का शुभारंभ करेंगे। वे राज्य के लाभार्थियों को PMAY के शहरी और ग्रामीण दोनों खंडों के तहत तैयार घर भी सौंपेंगे। प्रधानमंत्री भुज से अहमदाबाद तक भारत की पहली वंदे मेट्रो का शुभारंभ करेंगे। फेज 2 का जो लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 16 तारीख को किया जा रहा है, इसमें 20.8 किलोमीटर सेक्शन शुरू होगा और 8 स्टेशन स्टार्ट होंगे, जिसमें कि हम सेक्टर 1 से लेकर GNLU और GNLU से गिफ्ट सिटी के बीच में लोकार्पण किया जाएगा। इससे रोड पे वेहिकुलर मूवमेंट कम होगा, जिसपे रोड एक्सीडेंट्स की बाद में कमी आएगी। इसके अलावा पॉल्यूशन का जो एनवायरमेंटल बेनिफिट्स हैं, दे आर इनॉर्मस बेनिफिट वी आर गेटिंग फ्रॉम दैट। इसके अलावा ये मोस्ट इकोनॉमिकल वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, और प्लस ये द मोस्ट कम्फर्टेबल एयर कंडीशन ट्रेन के साथ अहमदाबाद के जो वासी हैं वो गांधीनगर तक यात्रा करेंगे। देश की पहली वंदे मेट्रो के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर से सिकंदराबाद, कोल्हापुर से पुणे, आगरा कैंट से बनारस, दुर्ग से विशाखापत्तनम, पुणे से हुबली सहित कई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। वे वाराणसी से दिल्ली तक पहली 20 कोच वाली वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। अहमदाबाद और गांधीनगर से विशाल बैरिस्टो, दिव्येंदु मांडल और मेघना देव की रिपोर्ट, DD न्यूज। न्यूज नाइट के अंत में आप कुछ और जाते हैं, कुछ और राष्ट्रीय महत्व की खबरों के साथ, मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के हालिया बयानों पर केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राहुल गांधी भारतीय नहीं हैं, उन्होंने अपना ज्यादातर समय बाहर बिताया है। देश के दुश्मन जो विमान, ट्रेन, सड़क उड़ाने की कोशिश करते हैं, वे राहुल गांधी के समर्थन में हैं। अगर नंबर एक आतंकवादी और देश के सबसे बड़े दुश्मन को पकड़ने के लिए कोई पुरस्कार होना चाहिए तो वो राहुल गांधी को मिलना चाहिए।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मिलाद उन नबी की पूर्व संध्या पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन पर जिसे मिलाद उन नबी के रूप में मनाया जाता है, मैं सभी नागरिकों विशेषकर हमारे मुस्लिम भाइयों और बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। अंतर्राष्ट्रीय संविधान दिवस के मौके पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 434 आईटीआई में संविधान मंदिर का उद्घाटन किया। यहां उन्होंने बिना नाम लिए नेता विपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे लोग विदेश जाकर भारत विरोधी बयानबाजी करते हैं। आरक्षण को लेकर उन्होंने कहा कि ये संविधान की आत्मा है और इसे कोई खत्म नहीं कर सकता। केरल में एक शख्स की निपाह वायरस से संक्रमित होने के बाद मौत हो गई। मरीज की उम्र 24 साल थी। केरल के स्वास्थ्य मंत्री वीणा जॉर्ज ने रविवार को इस मरीज की मौत की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मल्लपुरम के एक निजी अस्पताल में निपाह वायरस से संक्रमित युवक की मौत हो गई। भारत ने टाइफून यागी के कारण हुई भीषण बाढ़ से प्रभावित देशों की सहायता के लिए ऑपरेशन सद्भाव लॉन्च किया। इसके तहत भारत के मित्र देशों म्यांमार, वियतनाम और लाओस को सहायता भेजी गई। न्यूज़ नाइट के प्रायोजक थे गैलेंट एडवांस रैबर, निर्माण का रियल हीरो।